जय हिंद बच्चों, आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग हम लोग पहले वीडियो में देखे थे और दूसरा अनुप्रयोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ये डेरिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये डेरिवेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हमने माना एक समान रूप से आवेशित कोई समतल चादर है और इस समतल चादर पर एक समान धन आवेश प्लस क्यू चारों तरफ वितरित है। और आपको पता है कि किसी समतल चादर पर जब आवेश वितरित होता है तो चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं और आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। मैं आपको बता दूं कि ये जो समतल चादर है, इस समतल चादर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई हम बिंदु P ले रहे हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम बिंदु P से परितः एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ खींचेंगे। गौसियन पृष्ठ की कल्पना हमने आपको किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अगर हम किसी बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो उस बंद पृष्ठ को ही गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो समतल चादर है, इस समतल चादर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इसलिए ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से बिंदु P के परितः चारों तरफ बेलनाकार हम गौसियन पृष्ठ लेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल A है और सुनिए, बिंदु P समतल चादर के सामने की ओर है और उसके विपरीत दिशा में या पीछे के तरफ बिंदु P डैश है। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल हम वेक्टर dA लिए हैं तो यहाँ पर भी हम अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर dA लेंगे। अब हम इधर के तरफ भी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इधर के तरफ भी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो समतल चादर के चारों तरफ उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चले आप ध्यानपूर्वक देखें, हम निकालने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि फाई ई इजकल टू ये सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA होता है और फिर यहाँ पर देखें फाई ई इजकल टू, तो अगर हम ए डॉट बी इजकल टू, आपको पता है कि ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो फिर देखें क्या मिलेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं
क्लोज्ड सॉरी ये सरफेस इंटीग्रल ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी वेक्टर ई का परिमाण ई है, वेक्टर डीए का परिमाण डीए है और ये हो जाएगा कॉस थीटा। हम आपको बता दें कि ये जो पृष्ठ लिया जाता है, ये पृष्ठ चादर, ये जो हम गौसियन पृष्ठ लेते हैं, यह समतल चादर के समानांतर होता है और जब गौसियन पृष्ठ समतल चादर के समानांतर होगा तो बनने वाला कोण जीरो अंश का होगा, यानी कास जीरो हो जाएगा और कास जीरो की वैल्यू आपको पता है कि वन होती है। फिर फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा e और सरफेस इंटीग्रल a और ये हो गया dA का जीरो की वैल्यू वन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पृष्ठ समतल चादर के सामने के तरफ लेते हैं उतना ही पृष्ठ हम समतल चादर के अंदर के तरफ लेते हैं, तो ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं ये केवल समतल चादर के बाहर के तरफ है। अगर भीतर वाले दोनों पृष्ठों को लेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, सरफेस इंटीग्रल ए डी ए, ये डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन जब इसका इंटीग्रल ले लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमने मान लिया है कि इसका पूरा क्षेत्रफल ए है तो फिर हम यहाँ रख देंगे फाई ई इज इक्वल टू 2e और ये सरफेस इंटीग्रल डी ए के जगह पर ए हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, लेकिन गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू, चलिए हम इधर कर देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ क्यू की वैल्यू रख देते हैं तो Q की वैल्यू रख देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू, देखिए Q की जो वैल्यू है वो सिग्मा ए है, हम सिग्मा ए रख दिए और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन वन में आप देख रहे हैं फाई ई है और इक्वेशन टू में भी आप देख रहे हैं कि फाई ई है। अगर हम दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है और अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। हम दोनों के राइट साइड को इक्वल करते हैं और फिर देखें राइट साइड को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2EA, इक्वेशन वन का राइट साइड 2EA इज इक्वल टू इक्वेशन टू का राइट साइड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार हम यहां से ई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात हम आपको बता दें कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस समतल चादर के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, चाहे हम इस समतल चादर पर हम कोई बिंदु ले लें, ये वैद्युत क्षेत्र समतल चादर के चारों तरफ एक समान होता है। तो इसकी ज़रूरत आगे के चैप्टर अगर हम संधारित्र वगैरह पढ़ेंगे तो संधारित्र में इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में रखे रहें कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है। हमें उम्मीद है कि ये छोटा सा डेरिवेशन था लेकिन डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।